स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लुसेंट और स्पीडी जीके के लाइव टेस्ट सामान्य ज्ञान के लिए यह दूसरी वीडियो होगी। इसका पहला भाग ऑलरेडी अपलोड है और आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि ये एक टेस्ट वाली वीडियो है। यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिखाए जाते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से लेकर 5 सेकेंड का समय मिलेगा। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको हर रोज़ इस चैनल पे 3 वीडियो मिलती है। पहली वीडियो करंट अफेयर की मिलती है सुबह 5 बजे, दूसरी वीडियो मिलेगी आपको लाइव टेस्ट की दोपहर 3:30 पर और तीसरी वीडियो मिलती है आपको हर रोज़ शाम को 8:30 पर। तो आप इन टाइम पर आके अपने जो टेस्ट है उसे दे सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और लोग जुड़ पाए। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ये दूसरा भाग है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसी तरह आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होता है। एक चीज हम क्लियर कर दें कि इसका PDF उपलब्ध नहीं होगा और यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ऑप्शन के लिए हम आपको कुछ हिंट दे सकते हैं, तो आप अपना उत्तर जो भी आपको पता हो आप कमेंट करके बता पाएंगे। पहला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये तो मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे अपलोड होने के बाद वो लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर पाएंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। देखिए ये जो परमाणु होता है यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो अभी आपने देख लिया चैडविक। पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये किया गया था थॉमसन यानी कि थॉमसन के द्वारा, या थॉमसन लिखा होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये होता है एक परमाणु क्रमांक, परमाणु इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, और इसमें एक होती है नाभिक, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव होता है और जो न्यूट्रॉन की बात हो रही है इन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। कुल मिला के जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह ये जो परमाणु होता है ये उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब कि न्यूट्रल हो जाता है, जितने प्लस हैं उतने माइनस हो गए तो ये न्यूट्रल हो जाता है। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता जो कि कर्ण पटल की क्षति का कारण है ये कितना हो सकती है। देखिए ध्वनि की तीव्रता को हम नापते हैं dB में, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, तो dB में मापते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने dB तक की ध्वनि होगी कम से कम जो आपके कानों को नुकसान पहुँचा दे, आपके कान का जो पर्दा है उसको नुकसान पहुँचाए। यहाँ पे अगर ऑप्शन चाहिए तो चलिए आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, 120, केवल 30, 160 और 90, ये चार ऑप्शन हो गए। तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 160। देखिए अगर बात करें कि मतलब कितनी dB की ध्वनि आपको ठीक लगती है, तो अगर 30 से लेकर 60 तक का है तो ये नॉर्मल ध्वनि में काउंट होता है, लेकिन अगर 60 के ऊपर होता है तो जो अगर व्यक्ति सोया है और 60 dB से अधिक की ध्वनि होती है तो वहाँ पे व्यक्ति की नींद खुल जाती है, लेकिन अगर यही ध्वनि 160 के ऊपर जाने लगती है तो ये आपके कान के पर्दे के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे लेकिन हम आपको हिंट के लिए ऑप्शन बताते रहेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिए। क्वेश्चन है कि फोटोक्रोमैटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है। मान लीजिए इसमें आपको मिल जाता है AgBr, AgCl, NaCl और Au, ये मिल जाता है आपको, तो आपका ऑप्शन क्या होगा। तो सही उत्तर होगा AgBr, मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इसका सही उत्तर होता है। और सिल्वर जो कि इसको हम Ag से डिनोट करते हैं चांदी को, हालांकि इसको यस से होना चाहिए लेकिन इसे हम जो लैटिन नाम होता है उसके अनुसार सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं, उसी तरह जो गोल्ड होता है उसको हम Au से डिनोट करते हैं। और कारण ये है कि हम इसे भले ही गोल्ड कहें लेकिन इसका लैटिन नाम है आरम, तो इसीलिए हम गोल्ड को Au से मतलब कि डिनोट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन था? तो ये हो जाएगा, अगर ऑप्शन दे दें आपको, तो जूट, नाइलान, रेशम या फिर इनमें से कोई नहीं। जूट, नाइलान, रेशम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नाइलान। नाइलान इसका सही उत्तर होता है, जो मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। अगला है कि आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? देखिए, अपारदर्शिता का मतलब यह होता है कि दिखाई ना दे। अगर ऑप्शन आपको दे दे, रतौंधी, मोतियाबिंद, चलिए बस इतना ही में से बताइए, इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है, आंख की अपारदर्शिता। तो इसके लिए सही उत्तर है आपका। जल्दी जल्दी आप लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग इससे जुड़ पाए। तो ये होता है मोतियाबिंद। देखिए, अपारदर्शिता पूछा गया है। अगर ये पूछा जाता कि कम दिखाई देना, तो रतौंधी में भी ऐसा नहीं है कि कम दिखाई देता है, रतौंधी में केवल रात को कम दिखाई देता है, केवल रात को कम दिखाई देता है। लेकिन जो मोतियाबिंद होता है, इसमें आपकी जो पुतली होती है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है और आपको बाहर का चीज़ कम दिखने लगता है, जिसे कहते हैं अपारदर्शिता। और ये रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकता है। और विटामिन ए का अगर प्रचुरतम स्रोत की बात करें कि कौन आपको सबसे ज़्यादा विटामिन ए दे सकता है, हालांकि सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन प्रचुर मात्रा में कहा जा सकता है, तो इसके लिए सही उत्तर है गाजर। गाजर ऐसा एक फल है या एक सब्जी है जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होगी? आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई बताना है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन आपका है कुलाम, और इसके साथ है न्यूटन मीटर, यही दो ऑप्शन है आपको बताना है इसी में से। तो इसके लिए सही उत्तर है आपका, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताया करिए, सही उत्तर है कुलाम, आवेश की सीजीएस पद्धति। देखिए, सीजीएस पद्धति होती है, एक होती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो एमकेएस पद्धति में हम काउंट करते हैं वही सेम टू सेम इंटरनेशनल सिस्टम में भी होता है। यहाँ पे सेंटीग्राम होता है ग्राम, और यहाँ पे होता है मीटर किलोग्राम, और यहाँ पे सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? जो सोना होता है किस पदार्थ में घुल जाता है? ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो पारा, एक्वा रेजिया, सिल्वर और एनएसीएल, ये आपके ऑप्शन है। तो जो सोना होता है ये एक्वा रेजिया में घुल जाता है, एक्वा रेजिया में घुल जाता है सोना। तो बढ़ते हैं आगे, एंथ्रेक्स किसकी बीमारी है, किसकी गंभीर बीमारी है? यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दे दें तो बच्चों की, कुत्तों की, गाय या फिर भैंसों की, या फिर जो जानवर होते हैं शेर की, एंथ्रेक्स। तो देखिए, एंथ्रेक्स बीमारी है गाय और भैंसों की, गाय और भैंसों की बीमारी है एंथ्रेक्स। यहाँ पे अगर आपको समय कम हो रहा है तो हम आपको कुछ और समय देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी इसका उत्तर कमेंट करके बताया करें। अगर देखिए आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे तो ये आप ही के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता चलता रहे कि आपकी कितनी जानकारी हो पाती है। अगला है कि रक्त को स्कंदन करने में कौन सहायक होता है? यहाँ पे कुछ लोग इसलिए कमेंट नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा ऑप्शन, मतलब कि हम जो कमेंट करेंगे वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना उत्तर कमेंट करना चाहिए, धीरे धीरे ही सही होगा। अगर आप अपनी गलती को छुपा के रखेंगे तो वो गलती सही नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे रक्त के स्कंदन में पूछा जाए, और अगर आपको विटामिन के ऑप्शन दे दिए जाए कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी, ये विटामिन वाले ऑप्शन है रक्त के स्कंदन के लिए।
तो इसके लिए विटामिन के सही उत्तर होगा। देखिए होता क्या है कि रक्त वाली जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें लोहा या फिर विटामिन की बात होगी तो के की बात होगी। वैसे जो लोहे की हम बात कर रहे हैं ये मतलब खाने वाले लौह पदार्थों की बात हो रही है, और जो पालक होता है सब्जी वाली पालक, इसमें सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बेहद आसान क्वेश्चन, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं देने वाले हैं कि ई बराबर एमसी स्क्वायर किसने दिया था। ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, आपने क्वेश्चन देखा और आपको उत्तर कमेंट करके बता देना है। तो ये दिया गया था महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने बताया था कि जो ई बराबर एमसी स्क्वायर होता है, इसमें जो प्रकाश का वेग है इस एनर्जी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होगा। अगर आपको ऑप्शन दे दे 2, 3, 7, 10, ये पीएच वैल्यू है। तो सही उत्तर है, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए क्या लिखा है, उदासीन, और 25 डिग्री को भूल जाइए क्योंकि ये रूम टेम्परेचर की बात की गई है। जो रूम टेम्परेचर कहा जाता है ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हालांकि केवल 25 ही पे नहीं होता है, अगर आप देखें तो 23 से लेकर के 35 तक होता है रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक पे, जिस पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 7 होता है बीच में, और जो भी 7 होता है ये होता है न्यूट्रल, मतलब कि उदासीन, और यहाँ पे उदासीन ही पूछा गया था, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर सी था, सही था। अगला है कि वात्या भट्टी मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस, इसमें क्या उत्पादित लोहा है, इसमें जो लोहा होता है कैसा लोहा उत्पादित होता है। चलिए आपको ऑप्शन दे दें, नरम लोहा, कच्चा लोहा, राट लोहा या फिर इस्पात। ये ऑप्शन है आपके कि वात्या भट्टी में कैसा लोहा उत्पादित होता है। तो सही उत्तर है आपका कच्चा लोहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गुर्दों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या है। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे देते हैं, यूरान, नेफ्रान, और ये होता है केरोटीन। यूरान, नेफ्रान और केरोटीन, इन्हीं में से है गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट। तो ये होता है नेफ्रान। अगला क्वेश्चन कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, जो कोशिका की गतिविधियां हैं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। चलिए ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है, आंत, माइटोकांड्रिया, प्लीहा या फिर नॉन ऑफ दीज। आंत, माइटोकांड्रिया, प्लीहा या फिर नॉन ऑफ दीज, कोशिका की जो गतिविधियां होती है कौन नियंत्रित करता है इनको। तो ये नियंत्रित की जाती है माइटोकांड्रिया के द्वारा। और देखिए जो कोशिका होता है ये सबसे शरीर की छोटी इकाई मानी जाती है, कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती है, और कोशिका की जो भी गतिविधियां होती हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, तो माइटोकांड्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है, सूर्य में जो जल रहा है उसमें ये क्या है। चलिए ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए, हाइड्रोजन, उसके बाद से न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन और CO2। तो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है मतलब जो हमें जलता हुआ दिखाई देता है ये सही है हाइड्रोजन। देखिए केवल हाइड्रोजन ही नहीं है, अगर सूर्य में ये पूछा जाए कि केवल क्या है तो केवल हाइड्रोजन नहीं है, इसकी परसेंटेज होती है 74.23, और इसके साथ इसमें होता है हीलियम, हीलियम होता है लगभग 23% के आसपास। यहाँ पे 1% बच गया अभी, तो 1% ठोस गैसें भी होती हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। देखिए जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है और इसकी परसेंटेज होती है 78%, ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.3% की आसपास होता है।
आग लगने में सहायक की बात करें तो यह है ऑक्सीजन, आग को बुझाने में सहायक की बात करें तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड पेंडुलम की ध्वनि की अवधि कितनी होती है, अवधि कितनी होती है आपको टाइम बताना है। चलिए आपके ऑप्शन है 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 7 सेकेंड। तो ये होती है, कमेंट करके बताइए। देखिए गलत सही जो भी आपको आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि उत्तर हो सकता है, आप कमेंट करके बता दिया करिए। और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें। आपको बता दें कि हर रोज़ शाम को 8:30 पे ये वीडियो आपको मिल जाती है, और इसका जो एक पार्ट और आता है वो आपको 3:30 पे मिलता है हर रोज़ दोपहर में। सुबह के टाइम करंट अफेयर की वीडियो आपको 5 बजे मिलती है, 5। तो इसके लिए सही उत्तर है 2 सेकेंड। जो सेकेंड पेंडुलम की अवधि की बात हो रही है, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रहा है, ये होता है 2 सेकेंड। अगला है कि फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, वही क्वेश्चन है, अभी आ चुका था इसके पहले अगर आपको याद हो तो। ये होता है AgBr, मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड। अब आगे बढ़े तो ये है कि श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो किस तरह की क्रिया है। ऑप्शन चाहिए तो अपचयन, उपाचयन, यही दोनों ऑप्शन है केवल आपके लिए। जब दो ऑप्शन मिल जाते हैं तो क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है। जो हम सांस लेते हैं उसकी बात की गई है, ये किस तरह की क्रिया है, अपचयन या फिर उपाचयन। तो ये है अपचयन, ये है अपचयन, और इसको कैटाबोलिक प्रक्रिया भी कहते हैं, कैटाबोलिक प्रक्रिया। अगला है कि आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है क्यों। तो देखिए जिलेटिन मिलाने का क्या कारण होता है, अगर आपने आइसक्रीम वाला क्वेश्चन पढ़ा हो तो इसके दो कारण होते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको एक ही कारण मिलने वाला है। और ऑप्शन आपको दे दें तो ये क्रिस्टल बनाए, क्रिस्टल बनाने के लिए, और रवा बनने से बचाने के लिए, बचाने के लिए। इनमें से कौन सा सही है आपके हिसाब से। तो आइसक्रीम के जिलेटिन, आइसक्रीम में अगर जिलेटिन मिलाने की बात होती है तो इसके लिए दोनों उत्तर सही हैं। ये क्रिस्टल भी बनाने के लिए मतलब मिलाया जाता है कि क्रिस्टल बने, और ये रवा बनाने से बचने के लिए भी आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में प्रयोग में सबसे ज़्यादा प्रमुख अवयव कौन है, जो गोबर गैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन गैस पाई जाती है। अगर ऑप्शन चाहिए तो आपके ऑप्शन है CH4, N2, SO2 और CO3। गोबर गैस में सबसे प्रमुख अवयव है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए अपना उत्तर। देखिए इसके लिए दूसरी वीडियो है, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव होने के बाद देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करके बताइए। तो इसके लिए सही उत्तर है मेथेन, जो गोबर गैस होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है CH4, मतलब कि मेथेन। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और जो खदानें होती हैं, कोयला की खदानें या फिर इस तरह की जो भी खदानें होती हैं, वहाँ पे ये प्रमुखता से पाया जाता है। और कई बार आपने सुना होगा खदानों में आग लग गई तो उसका कारण गोबर गैस का ये जो मेथेन है यही होता है। अगला है कि सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है, मतलब कि जो यहाँ पे दो तरह के हम देखते हैं, एक अंडा है और एक बच्चा, तो सबसे बड़ा बच्चा। ऑप्शन चाहिए तो हाथी, वेल, शुतुरमुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करना वाला। क्योंकि देखिए कुछ लोग बच्चा है, कुछ लोग अंडा देते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर होगा क्या, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है, ये आपके ऑप्शन है। तो इसके लिए सही उत्तर है नीला वेल, जो वेल होता है नीला वेल, ये स्तनधारी होता है,
और अक्सर जो स्तनधारी होते हैं उनमें से 99% की बात करें तो ये बच्चा पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व तो प्रचुरतम मात्रा में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे अगर आपसे तो पूछेगा तो आपका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसटाइपिंग हुई है, इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी किसका मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है आयाम, आयाम के बाद प्रेरकत्व, विद्युत धारा और नानाभिदेज। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, तो सही उत्तर है प्रेरकत्व, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है। ऑप्शन चाहिए तो आपके ऑप्शन है संगमरमर, सीमेंट, कार्बोनिक और इनमें से कोई नहीं। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पे बनती है, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। उससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बता दें। देखिए जो हम सीमेंट यूज करते हैं घर बनाने के लिए, चूना उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये चूना चूना पत्थर वाला होता है, और यहाँ पे ये कायांतरण के द्वारा क्या चीज़ बनाता है यही आपको बताना है। यहाँ पे क्या होता है कि ये कायांतरण मतलब कि रूप का बदलना, और रूप क्यों बदलेगा ये, तो जो प्राकृतिक प्रवाह होता है जैसे कि पानी के द्वारा ये बहते 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 बहते, या फिर हवा के द्वारा कहीं प्रवाह हो रहा है तो उस समय इसका रूप बदल जाता है। तो ये जो चूना पत्थर होता है ये अगर कुछ समय तक कई सौ साल पृथ्वी के अंदर दबा रह जाए तो ये बन जाता है संगमरमर। अगला है कि न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। जो निमोनिया होता है खास करके देखा जाए तो बच्चों में, तो ये किस अंग को प्रभावित करता है, हृदय, आंत, फेफड़ा या फिर जीभ। हृदय, आंत, फेफड़ा और जीभ। जो निमोनिया रोग होता है यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया खास करके बच्चों में होता है, हालांकि ये बुजुर्गों में भी देखने को मिलता है, हो सकता है किसी को भी, लेकिन अधिकतर मात्रा में बच्चों और बुजुर्गों में मिलता है आपको। तो इसके लिए सही उत्तर है कि यह मतलब सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आपके फेफड़ा को। निमोनिया में आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जब हम उन्हें मेडिकल केयर पे ले जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे ऑक्सीजन दी जाती है। अगला है कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि अगर आपको विद्युत चुंबक बनाना है तो आप किस धातु का प्रयोग करेंगे। विद्युत चुंबक, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको डायरेक्ट उत्तर पता है तो कमेंट करके बताइए। Ag, Au, इसके साथ से Fe और इसके साथ से Na। तो देखिए विद्युत चुंबक की जहां पर भी बात आएगी, विद्युत चुंबक की बात जहां पर भी आपको आएगी, इसके लिए सही उत्तर होता है नरम लोहा। नरम लोहा, और नरम लोहा इसमें कौन सा है, इसमें से लोहा वाला, तो यह Fe, मतलब कि Fe को हम लोहा कहते हैं। तो नरम लोहा को हम विद्युत चुंबक के रूप में मतलब कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए मतलब बहुत पहले से चंद्रमा पर जाने की जो क्रियाकलाप है चल रही है, और इस समय भारत भी चंद्रमा पर जाने के लिए चंद्रयान 2 को भेज रहा है। हालांकि इसमें कोई मनुष्य नहीं जाएंगे, यहाँ पे एक बस रोवर जाएगा, और इसके लिए डेट है 15 जुलाई 2019। ये वीडियो 15 जुलाई से पहले ही रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका उत्तर तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसके लिए सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पे पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। देखिए सर्वग्राही मतलब क्या होता है, जो किसी से भी ब्लड ले ले, मतलब कि आप देखेंगे कि ए वाला ग्रुप केवल ए वाले को दे सकता है, बी वाला केवल बी वाले को दे सकता है, ओ सी वाला या फिर जो भी है,
तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वग्राही है, मतलब किसी का भी ले सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ए, ए बी, ओ और या फिर नॉन ऑफ दीज, ये आपके ऑप्शन है। तो सही उत्तर है आपका ए बी। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, मतलब कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे सर्वदाता पूछ लिया गया होता तब क्या होता, इन्हीं ऑप्शनों में से अगर आपसे सर्वदाता पूछ लिया गया होता तब क्या उत्तर होता, सर्वदाता जो सबको ब्लड दे सकता है। तो इसके लिए सही उत्तर होता ओ। ओ होता है सर्वदाता, ए बी होता है सर्वग्राही। तो अगला क्वेश्चन है कि एनाटॉमी, एनाटॉमी विज्ञान की कैसी शाखा है, मतलब कि एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे कि हम जीव विज्ञान में जीव के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं। ऑप्शन दे दें तो पौधों के बारे में, जीवों के बारे में या फिर पौधों एवं जीवों के बारे में, ये आपके तीन ऑप्शन हैं। तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि पौधों और जीवों के आंतरिक संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम कहते हैं एनाटॉमी। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ऑप्शन दे दें आंत, यकृत और फेफड़ा, हृदय, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। तो ये होता है यकृत, मतलब कि लीवर, जो लीवर है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अगला है कि कांसा मिश्र धातु है, कहने का मतलब ये है कि हम किस किस को मिलाएंगे तो बन जाएगा कांसा, यही बताना है आपको। अगर हिंट चाहिए तो चलिए हिंट दे देते हैं। ए जी प्लस ए यू, एन ए प्लस सी एल, उसके साथ टीन और सोना, ये टीन है, और इसके साथ टीन और तांबा। तो जो कांसा होता है ये बनता है टीन और तांबा के मिलाने से, मतलब तांबा और टीन को मिलाने से बनता है कांसा। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन चाहिए तो है 5 सेंटीमीटर, 2.78 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 3.78 सेंटीमीटर। 1 इंच इनमें से किसके बराबर है। तो इसके लिए सही उत्तर है 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किसके कमी के कारण होती है। तो अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। चलिए ऑप्शन दे देते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताइए रतौंधी किसकी कमी से होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। जो लोग अभी तक कमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फायदा ही होगा। अगर आप प्रश्न देख करके तुरंत उत्तर बता देते हैं तो आप ये जानिए कि आपको उसका उत्तर कभी भूलने वाला नहीं है। अगर आप ऑप्शन में ऑप्शन देखने के बाद ही बता पाते हैं तो समझिए कि आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी तरह याद आ जाता है जैसे कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, अगर आपने सीधे सीधे बता दिया कि ये होता है विटामिन ए की कमी से, तो समझिए कि ये आप कभी भूलेंगे नहीं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से क्या होता है तो जनन रोग होते हैं जो कि प्रजनन में दिक्कत देते हैं, ये वाले रोग होते हैं विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनमें से कोई नहीं। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है,
देखिए, कोलेस्ट्रॉल संबंधित होता है आपका वसा से। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वसा से संबंधित होता है। वसा मतलब क्या होता है? फैट। आपके शरीर में जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके लिए नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि अगर यह एक सीमा से अधिक हो जाता है तो आपको नुकसान पहुँचाता है। और इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपकी जो ब्लड वाली नलियाँ हैं उनमें जाम लग जाता है इस तरह, और वहाँ पे जो आपका हार्ट होता है, हृदय होता है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और इसीलिए हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, और इसका उत्तर आ चुका है कि कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को अगर तत्कालीन ऊर्जा चाहिए तो इसके लिए ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन का आप उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका ब्लड प्रेशर लो है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर की बात होती है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्रवाह हो रहा है, ब्लड का, वो एक नियत मतलब कि स्पीड से प्रवाह हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से प्रवाहित होने लगे तो इसे हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। अगर स्पीड स्लो हो जाए तो इसे हम लो प्रेशर कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य के लिए दोनों हानिकारक है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या फिर लो हो जाए, दोनों स्थितियाँ एक सामान्य मनुष्य के लिए बेहद खतरनाक है। ये एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी सीमा से बहुत दूर चले जाते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए, आपको अगर उत्तर मतलब कि ऑप्शन चाहिए तो एस्कार्बिक एसिड, और ये होता है टेकोफेराल, यही दोनों ऑप्शन है, आपको इन्हीं में से बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड या फिर टेकोफेराल। आप लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप प्रश्न देखते ही अगर आपने उत्तर कमेंट करके बता दिया है तो समझिए कि आपको ये क्वेश्चन कभी भूलने वाला नहीं है। गलत सही जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप कमेंट करके बताते रहिए। इससे अगर आप हेजिटेट होते हैं कि नहीं मेरा उत्तर गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, आपके लिए आपका एक अच्छा लक्षण नहीं है। आपको जो भी आ रहा है कमेंट करके बताना चाहिए। तो जो विटामिन ई होता है इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। तो एस्कार्बिक एसिड इसका ये किसका रासायनिक नाम होता है? ये होता है विटामिन सी का। विटामिन सी से क्या होता है? ये होता है स्कर्वी। स्कर्वी में जो आपके होंठ होते हैं फट जाते हैं, और ये खट्टे फलों की कमी से होता है। जो खट्टे चीज़ होते हैं अगर इनकी कमी हो जाती है आपके शरीर में तो ये होता है विटामिन सी। खट्टे फलों का सबसे प्रचुरतम मात्रा किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आंवला में। और ये जो टेकोफेराल है मतलब कि विटामिन ई, इसके कमी से क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया था ये प्रजनन रिलेटेड रोग होते हैं विटामिन ई की कमी से, और जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेराल। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई, अगर ऑप्शन चाहिए तो ये तो वैसे बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर कमेंट करके तुरंत बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन दे दे रहे हैं। यहाँ पे ये न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, ये चार ऑप्शन है। त्वरण की इकाई बताना है आपको। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको 8-9 में पढ़ा दिया जाता है। और अगर फिजिक्स से क्वेश्चन बनता है तो ये तो सब बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए सही उत्तर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण का एक उल्टा होता है मंदन। तो त्वरण का मतलब ये होता है कि स्पीड में वृद्धि। सीधा सीधा समझिए, 2 किलोमीटर के स्पीड से कोई गाड़ी चल रही थी 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, थोड़ी देर बाद ये 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलने लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ? त्वरण हुआ। लेकिन अगर मंदन की बात करें तो ये 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, बाद में 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हो गई, तो यहाँ पे कमी हुई है। तो कमी होने का मतलब क्या है? मंदन है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि स्पैनोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? अगर ऑप्शन चाहिए तो चलिए दे देते हैं। ये है ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर, एयर प्रेशर, एक होता है वाटर प्रेशर। तो क्या मापते हैं? स्पेनोमैनोमीटर से ब्लड का प्रेशर मापते हैं, एयर का प्रेशर मापते हैं, या फिर वाटर का प्रेशर मापते हैं? क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, और ये यहाँ पे हम आपको बता दें कि जितने क्वेश्चन हमने लिया है सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और लुसेंट वीडियो के तहत हमने इनको क्लियर भी किया था। लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि कमेंट थे कि इनको मतलब कि एक टेस्ट के रूप में अपलोड करिए, तो अभी टेस्ट के रूप में अपलोडेड है, और हम आपसे आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि और ज़्यादा लोग इस वीडियो तक जुड़ पाएँ। अगर आपको पीडीएफ संबंधी कोई भी इशू होता है तो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना चाहिए। जैसे अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको होम मिलता है, वीडियो मिलती है, कम्युनिटी चैनल, वहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल सकता है, व्हाट्सएप के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल सकता है, और फेसबुक का मिल सकता है, इंस्टाग्राम का मिल सकता है, तो यहाँ से आप हमें फॉलो कर पाएंगे। तो जो स्पेनोमैनोमीटर होता है ये नापता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। जो ब्लड प्रेशर होता है ये नापा जाता है स्पेनोमैनोमीटर के द्वारा। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, ब्रह्मांड की बात की गई है, ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो आपको नाइट्रोजन नहीं बताना है। अगर वायुमंडल में पूछा जाएगा तो वायुमंडल में तो नाइट्रोजन होगा, लेकिन वायुमंडल एक तय सीमा तक है, लेकिन जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड में मतलब कि जो हर लगभग ग्रहों में उपलब्ध हो, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि जिसके नीचे का नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह संभावित न्यूनतम तापमान कितना है? मतलब कि जिसके नीचे जाने पर पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। हालांकि ये मिस टाइपिंग है इसके क्वेश्चन में ही। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस पदार्थ से दूध में खट्टापन पैदा होता है? मतलब कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि दूध में खट्टापन पैदा कर देता है, जो दूध कभी कभी फट जाता है, खट्टा होने लगता है, ये किस पदार्थ से लगता है? अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, और इनमें से कोई नहीं, इन्हीं में से आपको बताना है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि एस्कार्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी होता है, और लैक्टिक अम्ल मतलब कि इसका सही उत्तर होगा, जो खट्टापन का कारण है ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। और एक चीज़ और कि कभी कभी जब आपको थकान लगने लगती है तो इसका कारण भी लैक्टिक अम्ल ही होता है। ब्लड ग्रुपों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मुख्य रूप से, आपको सब नहीं बताना है, लेकिन आपको मुख्य रूप से कितने में बांटा गया है? 2, 3, 10, 4, ये बताइए, मुख्य रूप से बताना है बस, ये आपके ऑप्शन है। तो इसके लिए सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन, ये किलो वाट घंटा किसकी इकाई है? जो किलो वाट घंटा है ये किसकी इकाई है? और आपको अगर हिंट दे, ऑप्शन दे दें, तो ये है ऊर्जा, कार्य, विद्युत और शक्ति। किलो वाट घंटा तो ये है ऊर्जा का। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन है SO3, H2SO3, HCl, और इनमें से कोई नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सही उत्तर है H2SO4। कल के वीडियो में हम ऑप्शन नहीं दे पाए थे, तो इसलिए हम आज के वीडियो में ऑप्शन ऐड कर रहे हैं। अगला है कि अधिकांशतः जीरो फाइट, जो अधिकांशतः जीरो फाइट होता है कहाँ पे रहता है? ऑप्शन है पानी वाले स्थानों पे, मरुस्थलों पर। ये पौधे होते हैं जीरो फाइट के बारे में जो बात की गई है, सूखे पे मतलब कि दोनों जगहों पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जीरो फाइट, तो जीरो फाइट मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको पानी लगता है कम, और जिनको पानी की कम जरूरत पड़ती है ये होते हैं मरुस्थल में। अगला है कि मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं, वेंट्रिकल पाए जाते हैं, और आपको बताना है कि ये वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं।
विमानों का शरीर होता है उसमें वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। ऑप्शन है आंत, हृदय, फेफड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंत, हृदय, फेफड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं, वेंट्रिकल बताना है आपको। तो ये होता है आपके हृदय में, मतलब कि हार्ट में। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व तो क्या है? तो इसके लिए थोड़ा सा इसका उत्तर बड़ा होगा क्योंकि इसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं, और इसका सही उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं, चूना भी होता है, सिल्का भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है और मैग्नीशिया भी होता है। सर्वाधिक मात्रा में चूना पाया जाता है, उसके बाद सिल्का, उसके बाद एल्युमिना, उसके बाद मैग्नीशिया। अगला है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है? फिक्सर के रूप में, तो ऑप्शन चाहिए तो सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल, चलिए इसी में से है, आप बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। फिक्सर के रूप में यूज होता है फोटोग्राफिक में। तो इसके लिए सही उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। देखिए यहाँ पे हम 5 सेकेंड लगभग रुक जा रहे हैं ताकि आप सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, जो एल्युमिनियम होता है ये किसका अयस्क होता, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? देखिए अयस्क के बारे में हम हजारों बार बता चुके हैं। अयस्क का मतलब ये होता है कि जो धरती से खुदाई में हमें मिलता है। तो आपको ऑप्शन दे दें तो ये हैं बॉक्साइट, ए जी और इनमें से कोई नहीं। ए यू बॉक्साइट, ए जी और इनमें से कोई नहीं, एल्युमिनियम का अयस्क। अयस्क का मतलब ये होता है कि किस रूप में एल्युमिनियम हमें धरती में मिलता है। जैसे कि हम जब धरती की खुदाई करते हैं, वहाँ पे जब हम एल्युमिनियम को निकालते हैं धरती के अंदर से, तो जो एल्युमिनियम आप देख रहे हैं मार्केट में, वो ऐसा नहीं मिलता है, ये किसी और रूप में मिलता है। तो ये किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है आपको बॉक्साइट के रूप में। अगला है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष कहलाता है, जो दूरदृष्टि दोष होता है ये कहलाता है किस नाम से? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको बनेंगे केवल, एक होगा मायोपिया, एक होगा हाइपर मेट्रोपिया। तो इसमें से आप बताइए कि दूरदृष्टि दोष वाला कौन सा है। तो दूरदृष्टि दोष वाले को कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया, और इसमें निकट का नहीं दिखता है, निकट का नहीं दिखता है, केवल आपको दूर का दिखेगा, और जब निकट का दिखाना होगा तो हम लगाएंगे उत्तल लेंस। मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखेगा, जब दूर का नहीं दिखेगा तो हम लगाएंगे अवतल लेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जरूर लाइक कर दीजिए, और ये इसका अगला पार्ट है, इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विद्युत रूप से परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूप से जो परमाणु कैसा होता है? अगर आपको ऑप्शन दे दें तो धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए सही उत्तर है आपका उदासीन, क्योंकि परमाणु में क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये निगेटिव होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि प्लस से माइनस कट जाएगा, और जब प्लस से माइनस कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उदासीन। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? अब चमकने का मतलब ये है कि जो हमको दिखता होगा उसी को तो हम कहेंगे, जो हमें दिखता ही नहीं उसे हम कैसे जान पाएंगे? जो हमें दिख रहा है उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन चाहिए तो चलिए, ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा। सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह बताना है आपको। तो इसके लिए सही उत्तर है शुक्र। देखिए चंद्रमा तो ऑप्शन हो, मतलब आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि यह ग्रह है ही नहीं, यह तो उपग्रह है,
जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, तो ये तो उपग्रह है, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। पृथ्वी की कोई बातें नहीं है, पृथ्वी को हम जानते हैं। मंगल ग्रह चमकता नहीं है, ये लाल फास्फोरस के कारण, ये लाल रंग भी का होता है, इसे हम लाल रंग का ग्रह भी कहते हैं। लेकिन जो शुक्र होता है इसे हम तारा के रूप में जानते हैं, और ये शुक्र ग्रह होता है सबसे ज़्यादा चमकदार। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पे एक क्वेश्चन और, कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह पहले होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र। अगर सूर्य की बात करें, यहाँ पे सूर्य हो गया, तो यहाँ पे होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन होगा? सही उत्तर होगा शुक्र, बुध की अपेक्षा शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे इतने बादल हैं कि यहाँ पे 70% ये जो एनर्जी आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, फिर भी 30% को सोख लेता है, और यही इसके गर्मी का कारण है। सही उत्तर था इसका शुक्र। अगला है कि पीतल किसका मिश्रण है? जो पीतल है ये किसका मिश्रण है? तो इसके लिए हम ऑप्शन नहीं देने वाले हैं, कमेंट करके बताइए। दो क्वेश्चनों का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो इसके नीचे वाला भी है उसका भी। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो अगर आप जस्ता और ताबा को मिला दें तो ये बन जाता है पीतल। अगला है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर, तो जो सोल्डर की बात हो रही है ये होता है सीसा और टिन का, सीसा और टिन का मिश्रण होता है सोल्डर। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाएगा? सोडा वाटर जो आप पीते हैं मार्केट में, इसके लिए, इसको बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाएगा? ऑप्शन है CO2, O2, N2 और SO2। कमेंट करके तुरंत बता दिया करिए, हम आपके लिए रुक रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइव होने के बाद देख रहे हैं तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको हर रोज ये वीडियो शाम को 8:30 पे मिलती है, जो कि करीब 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है। तो इसके लिए सही उत्तर है CO2, सोडा वाटर बनाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वो भी हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन है मोटर, जनरेटर, डायनोमो और माइक। माइक मतलब कि जिसमें हम बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसके लिए सही उत्तर है आपका विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो जनरेटर होता है इसमें डायनोमो लगा होता है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तो डायनोमो क्या करता है कि डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सीधा सीधा विद्युत मोटर के उल्टा काम करता है डायनोमो। और जो माइक्रोफोन होता है ये क्या करता है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। और जो लाउड स्पीकर होता है जिसमें हम कुछ सुनते हैं, ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखे हुए वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? मतलब कि दो समांतर में, जो कि समानांतर में होंगे दर्पण, और उनके बीच में कुछ चीज आप रख देते हैं, तो यहाँ पे इसका कितना फिगर बनेगा? ऑप्शन है 2, 36, 60 और अनंत। तो अगर दो समांतर दर्पण होंगे, वो भी समतल होंगे, तो यहाँ पे इनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा उनकी संख्या होगी अनंत। मतलब कि अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। अगला है कि स्टेगमिस्ट एक बीमारी है, ये आपके शरीर के किस अंग की बीमारी है? ऑप्शन चाहिए तो नाक, आंख, कान और गला, ये बताइए ये किस अंग की बीमारी है? तो ये आपके आंखों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? चलिए ऑप्शन चाहिए तो 5 से 6 लीटर, 8 से 9, 7 से 8 लीटर, 8 से 9 लीटर और 3 से 4 लीटर। सामान्यता बताना है आपको, मतलब नॉर्मल। तो इसके लिए सही उत्तर है 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में, ये मतलब एक नॉर्मल मनुष्य के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन कि न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन किसकी इकाई है?
चलिए ऑप्शन चाहिए तो ये है तंत्रिका तंत्र, ध्यान से सुनिए, हृदय, फेफड़ा या फिर आंत। तो जो न्यूरॉन होता है ये होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई। अगला है कि मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, मतलब कि जो हमारी आंख है हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है हमारे आंखों पर, रेटिना पे, और जो ये प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। ऑप्शन चाहिए तो चलिए, ऑप्शन है वास्तविक, ये वास्तविक है, एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, ये चार ऑप्शन है। जो मानव आंख है उसके रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा। तो देखिए जो आंख पे प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा बनता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन ये उल्टा बनने के बाद जब हमारे दिमाग पे ये फिगर भेजा जाता है हमारे मस्तिष्क को, तो वहाँ पे मस्तिष्क इसको सीधा काउंट करता है, मतलब कि भले रेटिना पे ये फिगर उल्टा बना हो लेकिन जब ये हमारे दिमाग पे जाएगा तो हमारा दिमाग उसे सीधा पढ़ लेता है। अगला है कि सबसे कम तरंग वाली लंबाई वाली किरणें कौन सी है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली। ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, इन्हीं में से बताना है, चौथा नाम आप दीज कर सकते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली लंब किरणें, तो इसके लिए सही उत्तर है गामा किरणें। कमेंट करके बताते रहिए, और जो लोग इसको लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आप लोग इसे शेयर नहीं कर रहे हैं हम देख रहे हैं, क्योंकि शेयर की कमी के कारण यहाँ पे उतने लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी, तो आप इसे शेयर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तभी पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है, कितने लोग हमसे तेज जवाब दे रहे हैं। अगला है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज किसका मात्रक है। तो ऑप्शन है आवृत्ति, आवर्तकाल, रेडियो धर्मिता या फिर इनमें से कोई नहीं। हर्ट्ज किसका मात्रक है, बेहद आसान क्वेश्चन है ये है आवृत्ति का। अगला है कोवाल्ट 60 में से कौन सी किरण निकलती है, ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, इन्हीं में से आपको बताना है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम करते हैं कैंसर जो रोगी होते हैं उनके इलाज के लिए, और इसमें से निकलती हैं गामा किरणें, इसमें से निकलती हैं गामा किरणें। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कि खून की कमी को क्या कहते हैं, जो खून की कमी होती है आपके शरीर में इसको क्या कहते हैं, मायोपिया, एनीमिया, और बस यही दोनों ऑप्शन है इसमें से बताइए। खून की कमी, तो वैसे तो आपको डायरेक्ट इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। अश्रु गैस, मतलब कि अश्रु गैस का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं अश्रु गैस। चलिए अगला क्वेश्चन कि जल का अधिकतम घनत्व तो किस ताप पे होता है, जल का अधिकतम घनत्व, बेहद आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 275 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सभी लोगों ने पढ़ा है जल का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और जो पानी से बर्फ बनता है ये किस तरह का परिवर्तन है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है रासायनिक या भौतिक, पानी से बर्फ बनना। तो जो पानी से बर्फ बनने की बात होती है ये होता है भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो पानी है वो ठंडे के कारण जम गया है, बर्फ बन गया है, और अगर इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो फिर से वो पानी बन जाएगा, तो फिर से पुराने कंडीशन में आ जाने को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगला है कि स्टार्च का रासायनिक सूत्र बताइए, C2H2N2
C6H12O5N, C2H2 और C6H6 स्टार्च का रासायनिक सूत्र। तो ये होता है C6H12H10 होता है यहाँ पे, H10O5 और यहाँ पे यन होता है, ये होता है स्टार्च का रासायनिक सूत्र। अगला है कि एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो आपको उत्तर मिलेगा वो मील प्रति घंटा में मिलेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे अगर आप इसका उत्तर किलोमीटर प्रति सेकंड में देना चाहें तो। मतलब कि कितना स्पीड होगा तो जो पृथ्वी पे कोई भी पिंड है वो पृथ्वी से पलायन कर जाएगा, कभी रिटर्न लौट के नहीं आएगा धरती पे। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मील प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मील प्रति घंटा कह सकते हैं। अगला है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन है 1.41, 2.42, 3.63 और 4.82। हीरा का अपवर्तनांक, तो ये होता है 2.42, 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं तो इसके लिए कौन सा बल लगाते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है और इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन बनने का सवाल ही नहीं है। सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन कि बर्फ में जिलेटिन मतलब क्यों मिलाया जाता है। तो अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने इसे कवर किया था, तो ये होता है क्रिस्टल बनाने के लिए। अगला है कि जो फैराडे का नियम है किससे संबंधित है। ऑप्शन है विद्युत अपघटन, परमाणु अपघटन और रेडियोधर्मिता। ये फैराडे का नियम किससे संबंधित है, फैराडे ने अपना जो नियम दिया था इनमें से किसके लिए दिया था। तो फैराडे का नियम था विद्युत अपघटन से संबंधित। अगला है कि अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या होता है, मतलब जो अल्ट्रासोनिक वेग होता है इसको हम किस में मापते हैं। ऑप्शन है नॉटिकल मील या मैक या फिर किलोमीटर या फिर प्रकाश वर्ष, किसमें मापते हैं अल्ट्रासोनिक वेग को। तो ये मापा जाता है मैक में। अगला है कि वनस्पति में जीव होते हैं, किसी वैज्ञानिक ने कह दिया था कि वनस्पति में जीव होते हैं तो ये वैज्ञानिक कौन थे। और इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, आपको सीधे उत्तर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ही नहीं, आपको सीधे इस तरह क्वेश्चनों का उत्तर याद होना चाहिए। तो ये थे JC बोस, JC बोस। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है कौन। ये ऑप्शन हम लिख रहे हैं, हृदय, फेफड़ा, किडनी और नानाभिज। देखिए जिनको वीडियो में क्वालिटी संबंधी कोई इश्यू लग रही है, जैसे कि ये उनको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे दाएं तरफ आपको थ्री डॉट का बटन दिख रहा होगा, तीन बिंदी, उसको दबाइए। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वालिटी, क्वालिटी पे क्लिक करिए। वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है 144, 200, 360, 480, 720, 1080। तो जो भी आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो इसके लिए सही उत्तर है, रक्त को शुद्ध करने की बात हो रही है, तो ये होता है किडनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं। चलिए बस दो ऑप्शन दे रहे हैं, अम्लीय और क्षारीय, बस आपको इसी में से बता देना है। तो धातु के ऑक्साइड हमेशा और हमेशा होते हैं अम्लीय, एसिडिक। अगला है कि सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, सल्फर अणु को H2 द्वारा, H3 द्वारा, H8 द्वारा, H16 द्वारा, सल्फर को किससे दर्शाया जाता है।
तो ये दर्शाया जाता है हमेशा S8 के द्वारा। मवेशियों के खुर में एक रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है? अगर आपको पता है डायरेक्ट उत्तर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, वायरस और इनमें से कोई नहीं। तो जो मवेशियों में मतलब कि पशुओं में खुर रोग होता है, ये होता है विषाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है किसके द्वारा? कौन सी ग्रंथि है जो कि हार्मोन का स्रावण करती है? एकदम आसान क्वेश्चन है और आपको इसका डायरेक्ट उत्तर पता होना चाहिए, इसमें ऑप्शन बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। अगला है कि विद्युत मोटर क्या करता है? अभी हमने बताया, अभी आपको बताया कि विद्युत मोटर क्या करता है, मतलब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये आपको बता देना है। तो देखिए, जो विद्युत मोटर होता है ये क्या करता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में, अभी हमने आपको बताया था। अब अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दे दें तो आपको केवल हम दो ऑप्शन देंगे, तीन ऑप्शन दे देते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और तीसरा है समतल लेंस। दूरदृष्टि दोष जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और इसमें होता क्या है कि नजदीक का नहीं दिखता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो जब नजदीक का नहीं दिखेगा तो इसके लिए आपको लगाना पड़ता है हमेशा और हमेशा उत्तल लेंस। अगला है कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? जो परमाणु होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो आपको बता देना है कि इसमें से सबसे हल्का कौन है। बस इन्हीं में से तीन में से बताइए, चौथे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। अगला है कि जल की बूंदें गोल होती हैं, कारण क्या है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, केशिकात्व, यही दोनों ऑप्शन है आपके जल की बूंदें के गोल होने का कारण। तो सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव के कारण कई मतलब कि उदाहरण आपको बताए जाते हैं, जैसे कि मच्छर पानी पे तैरते हैं, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गर्म खाना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडा खाना की अपेक्षा, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो इस तरह ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? HCl, H2SO4, CO2 और CO2, रसायनों का राजा। तो रसायनों का राजा कहते हैं H2SO4 को। जो प्याज होता है ये किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन है जड़, तना, बस इन्हीं में से बता दीजिए, प्याज क्या है, जड़ है कि तना है? तो प्याज हो या फिर आलू हो, ये दोनों होते हैं तना। और अगला क्वेश्चन है जिसका उत्तर आ चुका है कि सूर्य के परितः अपनी जो हेली धूमकेतु है, इसका चक्कर मतलब कि इसका जो घर है ये कैसा चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है दीर्घ वृत्तीय। अगला क्वेश्चन है ये कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, और जो क्वेश्चन जितने बार आ रहा है समझ जाइए कि वो उतना ही महत्वपूर्ण है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? यहाँ पे इस तरह की वीडियो में हम लगभग 60 क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि आपका 1 घंटे से कुछ ज़्यादा का हो जाती हैं। और आपको पहली वीडियो मिलती है लगभग 3:30 पे शाम को, दूसरी वीडियो 8:30 पे। और इसका ऑप्शन हम बता दें आपको, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कोलेस्ट्रॉल संबंधित है वसा से मतलब कि फैट से, और ये आपके शरीर में जब फैट बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो कि आपको हार्ट अटैक ला सकता है।
अगला है कि मनुष्य के मस्तिष्क के बड़े भाग को क्या कहते हैं? और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपको सीधे याद होना चाहिए कि क्या कहते हैं उसे। तो ये होता है प्रमस्तिष्क। किसकी कमी से घेगा रोग होता है? ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, और सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो जो मनुष्य के मतलब मनुष्य में घेगा रोग होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। अगला है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, जो सिरका है उसमें जो उपस्थित कार्बनिक अम्ल होता है ये कैसा होता है? तो देखिए, ये खट्टा होता है, तो जो खट्टा होगा उसमें एसिटिक एसिड होता है। अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? समय की, चाल की, दूरी की, या फिर इनमें से किसी की? नहीं, तो प्रकाश वर्ष ये होता है किसकी इकाई? तो ये होता है दूरी का। और देखिए, ये जो लंबी दूरी होती है उसको तय करने के लिए हम प्रकाश वर्ष में काउंट करते हैं। एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय कर लेता है इसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है दूरी की, और उसे कहते हैं पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष में 3.26 का गुणा कर दे तो ये एक पारसेक के बराबर होता है। होम्योपैथ, जो होम्योपैथ आप देखते हैं, इसके जनक कौन थे? इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, सीधे आपको उत्तर बताना है। तो होम्योपैथिक के जनक हैं हैनीमैन। अगला है कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपने देख लिया था, और आपको ऑप्शन दे दें तो ये है 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 8 अप्रैल और 15 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस, तो देखिए होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को, और यहाँ पे जो 7 अप्रैल की बात है ये मतलब कि स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि डायनोमो क्या करता है? जो जनरेटर में डायनोमो लगा होता है, तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देखा है तो आपको हमने बता दिया है पहले ही कि डायनोमो क्या करता है, किस तरह की ऊर्जा को किस तरह की ऊर्जा में बदलता है, यही आपको बताना है। तो देखिए, डायनोमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और अभी हमने डिटेल में आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? घनत्व, और इनमें से कोई नहीं। दाब, बल, घनत्व, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होता है घनत्व। और घनत्व में अपेक्षित घनत्व हम मापते हैं हाइड्रोमीटर से। और जो पृथ्वी का क्रोड है उसमें क्या मुख्य घटक है? इसके लिए भी आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है कि मतलब कि पृथ्वी का जो क्रोड है मुख्य हिस्सा है उसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे होता है लोहा और निकिल। लोहा और निकिल पाया जाता है पृथ्वी के क्रोड में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो आपके घर के पास या फिर कहीं भी आसपास जो भी ट्रांसफार्मर लगा है वो क्या काम करता है? ये तो आप बता सकते हैं खुद भी। तो देखिए, ट्रांसफार्मर से पहले ज़्यादा वोल्टेज आता है, 11,000 वोल्ट आता है, लेकिन उसके बाद ये 440 हो जाता है। तो क्या हुआ? ये हो गया, हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देता है ट्रांसफार्मर, और ये केवल एसी को करता है, अल्टरनेटिंग करंट को, डीसी को नहीं कर पाता। अगला है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? मतलब कि ऐसी विटामिन कौन सी है जो आपके वसा में घुलनशील हो? ऑप्शन बताएं आपको, तो ऑप्शन है ए, डी एंड ई, के और सी। यहाँ पे देखिए, एक से अधिक उत्तर सही है। इस ऑप्शन में एक से अधिक उत्तर सही है। ऑप्शन है ए, डी और ई, के और सी। इसमें से एक से अधिक उत्तर सही है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी? तो इसके लिए सही उत्तर है विटामिन ए, डी, ई तथा के। ये जो विटामिन है ये आपके वसा में घुल जाती हैं,
अब इससे नुकसान क्या होगा कि अगर इनमें से किसी विटामिन की मात्रा आपके शरीर में अधिक हो जाती है तो ये आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि वसा से ही कोलेस्ट्रॉल होता है और ये आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन जो बी होता है, विटामिन बी और सी, ये आपके वसा में नहीं घुलता है, ये आपके जो शरीर में पानी है उसमें घुलता है। और पानी में घुलने से क्या होगा कि जब इसकी मात्रा आपके शरीर में अधिक होगी तो ये आपके पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, मतलब कि विटामिन सी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जाते हैं तो कोई ना कोई गैस लेके जाते हैं, कौन सी लेके जाते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन लेके जाएंगे। अगला है कि सिगरेट के लिए जो लाइटर यूज होता है सिगरेट जलाने के लिए, उसमें कौन सी गैस होती है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए, ब्यूटेन, प्रोपेन और एक होता है मरकैप्टन। तो सिगरेट लाइटर में होता है ब्यूटेन। अगला है कि यूरेनियम का अणु भार कितना होता है? अणु भार मतलब परमाणु भार, वही 238। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये होता है 92। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो ये जो परमाणु भट्टियां हैं उसमें करते हैं। और ये क्वेश्चन पीतल और मिश्र धातु वाला आ चुका है। अगला है कि सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? ऑप्शन है विलयन, यौगिक, मिश्रण। बताइए इसमें से क्या है सोडा वाटर? तो सोडा वाटर है 1 बिलियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और एक बार बस अंतिम बार बोल दे रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो इसे ज़रूर शेयर करिए। ये वीडियो आपको हर रोज़ शाम को 8:30 पर मिलती है। हालांकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु को प्रयोग में लाया गया? मनुष्य को सबसे पहले कौन सी धातु को? ऑप्शन दे दें तो ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी और तांबा। सबसे पहले ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार लोग लोहा को ट्रिक करते हैं, लोहा को लगता है सबको कि लोहा तो मतलब कॉमन चीज है, लेकिन सही उत्तर है तांबा। अगला है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली क्रीड़े कौन सी है? चलिए इसको छोड़िए, इसमें कुछ मिस टाइपिंग है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? और ऑप्शन है जे सी बोस, चार्ल्स डार्विन, न्यूटन। बस इसी में से बताइए, विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला है कि श्वेत रक्त कण, जो श्वेत रक्त कण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मतलब इनका एक इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए हम आपको ऑप्शन नहीं देने वाले हैं, आपको बताना होगा। इसको हम व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। ब्लड एक होता है आरबीसी, आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल जो 120 दिन तक जिंदा रहता है, और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, और इसका जो दूसरा नाम है इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अगला है कि मैक, मैक से क्या मापते हैं? अभी अभी आया था ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, चलिए ऑप्शन दे देते हैं, जलयान, वायान, मोटरयान, मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी। जो मैक होता है मतलब किसकी गति को मैक में मापते हैं, यही तो बताना है आपको। तो जो वायुयान की गति होती है इसे हम
मापते हैं मैक में। जो जलयान की गति होती है इसे हम नॉटिकल मील में नापते हैं, नॉटिकल मील। अगला है कि मेनेजाइटिस, यह बीमारी है किसकी? मेनिनजाइटिस किसकी बीमारी है? आपके शरीर में, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, या फिर किसकी बीमारी है? तो मेनिनजाइटिस होती है आपके मस्तिष्क की बीमारी। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो देखिए, चूने का पत्थर हमने शुरू में आपको बताया था, ये सेंडिमेंट्री है, मतलब कि रूपांतरित है। और ये रूपांतरित होकर क्या बनाता है? तो ये बनाता है संगमरमर, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। अगला है कि मिट्टी के तेल का अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? तो किसी भी चीज़ की अपेक्षित घनत्व की इकाई होगी तो वो हमेशा होगी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। अगला है कि माचिस उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि माचिस के उद्योग में किसका प्रयोग करेंगे? चलिए ऑप्शन देते हैं, केरोसिन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और NaCl। तो देखिए, जो माचिस होता है, जो उसमें मतलब कि जिससे हम जलाते हैं, उसके जो मुंह पे लगा होता है, किसका बना होता है, यही तो आपको बताना है। तो ये बना होता है लाल फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाना को अगर आप मतलब ताज़ा रखना चाहते हैं तो आपको तापमान कितना रखना चाहिए? अगर आप रेफ्रिजरेटर में खाना रख देते हैं, उसको चाहते हैं कि ये सुरक्षित रहे, तो तापमान कितना डिग्री आप रखेंगे? चार डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री और 50 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम रखना होता है, मतलब कि अब कम रख देंगे तो वो जम जाएगा, पानी वानी होगा, तो इसलिए आपको 4 डिग्री पे रखना होता है। जब आपके शरीर में, बच्चों के शरीर में पोलियो होता है, तो इससे शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? चलिए ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, तंत्रिका तंत्र और लीवर। शरीर में पोलियो रोग होता है तो इससे कौन सा अंग इफेक्टेड होता है? तो इसके लिए सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र। सूर्यमंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो एक दो बेहद आसान क्वेश्चन है और सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बता देंगे, यह है बुध। इसके बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या होता है? मंगल। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आपसे। देखिए, जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, इनमें से सभी ग्रह पश्चिम से पूरब के तरह चक्कर लगाते हैं। 8 में से 6 ग्रह, 2 ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरह चक्कर लगाते हैं। आपको इन्हीं 2 ग्रहों का नाम हमें कमेंट करके बताना है। 2 ग्रहों का नाम कमेंट करके बताइए जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, और ये सौरमंडल से, हम अपने सौरमंडल से पूछ रहे हैं। अगला है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे आधारित होती है? तो ये तो मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये होती है तापमान पे, जो तापमान होता है, इसीलिए तापमान पे आदर्श गैस की ऊर्जा डिपेंड होती है। अगला है कि किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो देखिए, जब कोई भी ठोस को अगर आप गर्म करेंगे, जैसे कि अगर आप लोहा ले लें, तो लोहा को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये लिक्विड में बदल जाएगा, इसके बाद इसमें से जो जो मतलब कि अशुद्धियाँ होंगी वो उड़ेंगी गैस में बदलने के लिए, लेकिन लोहा के साथ वो संभव नहीं है। अगर आप बर्फ को ले लें तो बर्फ पानी बनेगा, पानी बनेगा अगर इसे आप गर्म करते हैं, तो फिर गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनने लगेगा। तो हर चीज़, हर ठोस ऐसा होता है कि ये पहले लिक्विड में बदलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ ठोस ऐसे हैं जो द्रव में नहीं बदले बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और अगर आप कपूर को देख लें तो कपूर के साथ ऐसा होता है। अगला है कि रडार में किस तरह की तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं? अगर आपको ऑप्शन दे दें अल्फा, बीटा, गामा या फिर रेडियो तरंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा रडार में? सही उत्तर होगा रेडियो तरंगे। अगला है कि जो घरेलू प्रशीतक है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है
O2 फ्रियान सोडियम और एल्युमिनियम, किसका? घरेलू प्रसीतक में। तो यहाँ पे इसमें हम प्रयोग करते हैं फ्रियान। और चांदी ये क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ऑप्शन दे दें तो सुचालक या फिर कुचालक, चांदी। तो ये है मतलब कि सुचालक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके जाइए और इसे जाते जाते एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जान जाए। आपको बता दें कि कल भी 8:30 पर इसी तरह की एक वीडियो मिलेगी, और एक वीडियो आपको मिलती है 3:30 पर, और करेंट अफेयर की वीडियो मिलती है आपको हर रोज़ सुबह 5 बजे। तो तीन वीडियो इस समय आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो रही है। तो इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।